ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए ये खास खबर। और इस वक्त हम मौजूद है सहरसा जिले के बनमाई टरी प्रखंड के तेलियाहाट बाजार में। आपको हम वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो बरसात के शुरुआती मौसम में ही यहाँ पूरा रास्ता कीचड़ में है, और ये बनमाई टहरी प्रखंड का मुख्य बाजार है तेलियाहाट। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये तेलियाहाट से सिमरी बख्तियारपुर जाने का मुख्य मार्ग है, लेकिन इसकी स्थिति शुरुआती दौर के बारिश में ही नरकीय बन गई है। यहाँ की वाहन लेके तो बात की बात है, यहाँ पैदल चलना भी इस रास्ते पर मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि लोगों को किस तरह से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और कीचड़ में वाली रास्ते पे देखिए किस तरह से अपने जो है कि पैजामे को ऊपर समेट करके जो है कीचड़ वाली रास्ते से जा रहे हैं। हालांकि ये समस्या यहाँ 5 साल से जो है कि लगभग बना हुआ है, रास्ते के दोनों तरफ कीचड़ इस कदर जो है कि कीचड़ में है कि कहने का हद हिसाब नहीं। आम लोगों से लेकर यहाँ के जिला यहाँ के बनमाई टहरी प्रखंड के प्रशासन या पदाधिकारियों सबको ये जो है कीचड़ में वाली रास्ते से की समस्या से जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ की जो आवाम है, बनमाई टहरी प्रखंड के जो लोग हैं, अगर उन्हें गैस एजेंसी जाना हो या फिर पुलिस प्रशासन की मदद लेने, या इसके अलावा सदर या आपको स्वास्थ्य केंद्र जाना हो इलाज के लिए, तो उन्हें सबसे पहले ये कीचड़ में की समस्या से जूझना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र हो या पुलिस प्रशासन के यहाँ थाना पर जाना हो या फिर आप गैस एजेंसी जाना हो, पहले आपको ये कीचड़ में वाली रास्ता से जूझना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपको किसी तरह की मदद यहाँ मिल पाएगी। हालांकि यहाँ के लोगों से भी मैंने बात किया, ये समस्या पिछले 5 सालों से ये बनी हुई है। यहाँ पर ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही विभाग के कोई अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा बारिश के समय में यहाँ बहुत ही जल जमाव का समस्या बन जाता है। हालांकि इस पर यहाँ के रोज़ाना जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, रोज इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं, बावजूद वो कुछ इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बरसात के शुरुआत में ही आपको इस तरह का कीचड़मय के रास्ता से की समस्या से जूझना पड़ रहा, ये समस्या यहाँ कब से बनी हुई है और क्या कुछ यहाँ के पदाधिकारी लोग जो है कि पहल करते हैं। ये जो आपका मतलब रास्ता है तेलियाहाट बाजार का, कब से ये कीचड़मय का जो है समस्या से जूझना पड़ रहा है? लगभग 10 सालों से। 10 साल से हो रहा है। एक घंटा बारिश होने के बाद एक महीना लग जाता है, इतना कीचड़ हो जाता है। कोई भी अगर पेशेंट लेकर भी जाएगा अस्पताल, 1 घंटा के जगह 3 घंटा लग जाता है। गाड़ी जाम में लसक जाता है, गाड़ी 10 आदमी मिलकर गाड़ी के धक्का देकर ये निकलता है। काफ़ी कीचड़ हो जाता है, आदमी का चढ़ने पर भी दिक्कत हो जाता है। कितना बच्चा तो स्लिप करके गिर जाता है, उसका हाथ पर टूट जाता है। गरीब का बच्चा गिरता है, किसी MLA MP का बच्चा नहीं गिरता है। मुझे कहना यहाँ बनमाईदारी प्रखंड में कितना BDO CO सब आता है, डेली देखता है, बहुत बुरा हाल है रोड, कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये जो सड़क है, इस तरह की सड़कों को लेकर के आप लोग किसी पदाधिकारी को अवगत नहीं कराए या प्रतिनिधि यहाँ आना नहीं चाहते? सारे अवगत तो करा ही चुके हैं। कितना ना हम लोग तो बाजार भी रोके, बाजार भी जाम दायक जो आते डे सब आ चुके हैं यहाँ, यदि रास्ता सब गुजरते हैं सबके के कारण यहाँ बुरा हाल, पूरा बुरा हाल है। इलाके के जो प्रतिनिधि है, MP MLA है, क्या वो लोग कभी इस समस्या से अवगत नहीं हो पाए क्या? नहीं, कभी नहीं। विधायक और नहीं आते हैं? और नहीं। ये रास्ता यहाँ के MLA वगैरह इस पर कोई नहीं, यहाँ का MLA कभी आते ही नहीं, कभी नहीं आते। कौन है यहाँ के MLA? रत्ने सादा। 3 बार 4 बार बन चुके हैं। जो कि रत्न यहाँ के मान्य जो है वो 3-4 बार यहाँ के रह चुके हैं, जो कि एक बार ये रोड को देखने के लिए नया आए हैं। कौन नहीं है? रत्नेश सादा। कौन है वो? यहाँ के विधायक हैं, MLA साहब है यहाँ के। ये जो तस्वीर है आपको बता दें कि ये सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है। यहाँ के विधायक है रत्नेश सादा, जो JDU के विधायक है, और उसके इलाके की ये तस्वीर है। जो सरकार यहाँ दावे करती है कि यहाँ विकास जो है, हम गांव-गांव जाकर के पक्की सड़क का निर्माण कर रहे हैं, नाले का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मुख्यालय में सड़क की स्थिति ऐसी है जो नरकीय बनी हुई है, और उन पर ना तो उनके
पार्टी के विधायक की तवज्जो है, न उनके प्रशासन के जो है कि ध्यान है, न ही संबंधित विभाग के अधिकारी का ध्यान है। और ये समस्या यहाँ 5 सालों से बना हुआ है, बावजूद कोई विभाग के पदाधिकारी देखने तक नहीं आए। यहाँ की आवाम का भी यही कहना है कि हम लोग समस्या से हर बार हर साल बारिश में झेलते हैं, बावजूद कोई पदाधिकारी या विभाग के जो है कि संबंधित अधिकारी देखने नहीं आए। हालांकि बरसात का अभी शुरुआती मौसम ही है, जिसमें ये सड़क की स्थिति नरकीय है। आप तस्वीरों में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से वाहन हो या फिर छोटी वाहन हो या बड़ी वाहन, सबको इस कीचड़ से होके गुजरना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ के आवाम को है, जो थाने जाने के लिए हो या अस्पताल जाने के लिए हो, उन सब को सबसे पहले यहाँ की कीचड़ में रास्ता से जूझना पड़ता है। उसके बावजूद जो है उसके बाद ही उन्हें किसी तरह की सेवा, सरकारी सेवा जो है मिल पाता है। हालांकि ऐसे में अभी बरसात का शुरुआती मौसम है और प्रशासन के तरफ से अगर ध्यान नहीं गया तो ये और भी बड़ी जल जमाव की समस्या बनकर जो है समस्या खड़ा कर सकता है। लियाहट और सिमरी बख्तियारपुर का मुख्य मार्ग जो है कीचड़मय हो चुका है बरसात के शुरुआती समय में ही। आखिर ये करीब 5 साल से स्थानीय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। हमारे साथ यहाँ के बनमा इटहरी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्र कुमार बैठा जी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पदस्थापित है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर। आखिर सर, ये जो जल जमाव की वजह से जो कीचड़मय हो जा रही है सड़क, आखिर क्या वजह है कि अब तक इस पर काम नहीं हो पाया या इस जल जमाव समस्या से निदान नहीं दिलाया जा रहा? ये सड़क जो है ये PWD का है और हमने कई बार प्रयास किया है, पता चला है कि ये सड़क स्वीकृत भी हो चुका है निर्माण के लिए, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि अगर स्वीकृत हो गया है तो ये बहुत जल्दी इसका निदान हो जाए। आप लोगों को भी सर इस रास्ते के कीचड़ से जूझना पड़ता है? बिल्कुल, जब हम लोगों का एक यही मार्ग है तो हम लोग इसी से, हालांकि पिछली साल जो है हम लोग स्वयं स्थानीय व्यवस्था के तहत अपने जो उसमें कुछ ईंट के टुकड़े वगैरह डाल के हम लोग इसको कुछ मटरेबल करने का प्रयास किए थे। तेलियाहाट के सड़क पर जो लोग आवाजाही करते हैं उससे आम लोग ही नहीं जल जमाव की समस्या से जूझते हैं, बल्कि यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, प्रशासन है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा कर्मी है, उन तमाम लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। बावजूद इसके विभागीय अधिकारी मौन बने हुए हैं और कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। ऐसे में अभी ये बरसात का शुरुआती मौसम है, हालाँकि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बरसात जो पूरी बरसात की सीजन होगी उसमें भारी मतलब कि क्या है कि समस्या से जूझना पड़ेगा, जल जमाव की समस्या से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ेगा। ज़रूरत है ध्यान देने की और जल जमाव समस्या से निदान दिलाने की। शौकत अली, कशिश न्यूज़, सहरसा। यास तूफान का जो कहर है वो गांव के लोगों तक जोरदार असर कर रही है, क्योंकि गाँव के वो लोग हैं जिनके घरों में आज भी चूल्हे नहीं जले हैं। कई ऐसे गाँव के लोगों ने जानकारी दी है जिनके घरों में पानी घुस जा रही है, मिट्टी की दीवार, उसकी मकान जो छावनी है वो उड़िया गया है, रहने के लिए आदाचार हो गए हैं। गया जिला के विभिन्न प्रखंडों में हालात नाजुक है और इतनी नाजुक है कि किसानों को भी फसल बर्बाद हो रही है, किसानों को सब्जियों का जो खेतों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करना बड़ा मुश्किल है और किसान चिंतित हो रहे हैं। इस तूफान को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं, अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन उन तमाम गरीबों के लिए किसी भी तरह का कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही है, जिसके कारण हालात इतनी नाजुक हो गई है कि वो दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है। इस कोरोना काल में अनगिनत ऐसे समस्याएँ आ कर खड़ी हो गई है, जिसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज जो लगातार बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, जिसके कारण बड़ा ही जनजीवन अस्त व्यस्त बनाकर रख दिया है। मैं गया बोधिया से, राजेश कुमार। कटिहार नगर निगम में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए नगर निगम के द्वारा जो है कई कार्य किए जा रहे हैं, खास करके जो 43 योजनाएं हैं, लगभग उन 43 योजनाओं की
20 करोड़ की लागत से इन 43 योजनाओं पे काम चल रहा है। खास करके एमजी रोड की बात कर लें, अनाथालय रोड की बात कर लें, न्यू मार्केट की बात कर लें, ऐसे सभी जगह जहां जल जमाव की समस्या थी उस समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में विकास की रफ्तार को एक नई दिशा दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि चुनाव में भी जो जल जमाव की समस्या थी वो एक बड़ी समस्या थी, और सबसे बड़ी बात की इस कोरोना काल में और इस काम को शुरू किया गया है, जो 43 योजना है जो 20 करोड़ की लागत से बननी है, इन सभी योजनाओं पे काम शुरू कर दिए गए। एमजी रोड की बात कर लें या अनाथालय रोड की बात कर लें या हाई स्कूल पारा की बात कर लें, जहाँ जल जमाव की समस्या से लोग परेशान थे। हाँ, इस बीच में जो हम लोग नगर निगम से योजना लिया गया है उस पर खास करके ध्यान दिया गया कि किस किस इलाके में वाटर लॉगिंग है। आपका वाटर लॉगिंग इलाके का ही, जैसे एमजी रोड का, अनाथालय का, हाई स्कूल पाड़ा का, गामी टोला पानी टंकी चौक का, या आर एन मिश्रा के बगल वाला, ये सारे योजना को लिया गया है और सारी योजना पर काम चल रहा है। ये योजना पूर्ण होने के बाद शहर के अंदर में कोई प्रॉब्लम लगभग नहीं है। हम लोग की प्रतिबद्धता है कि शहर का विकास हो, और कोरोना काल में भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो भी बेरोजगार ना रहें और उनको भी काम मिले। और लगभग 20 करोड़ की लागत से शहर में विकास चल रहा है, और बरसात से पहले भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आई कोरोना काल का भी हम लोग लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा लॉकडाउन है, पूरा बाज़ार बंद है, तो हम लोग विकास को गति देने का काम कर रहे हैं, और सभी संवेदक भी मुस्तैदी से अपना विकास कार्य को तेज गति से युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होने से उनको काम मिल रहा है, जो सरकार की भी प्रतिबद्धता है। तो कहीं ना कहीं जो नगर विकास मंत्रालय है, जो यहाँ के विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम है, ये उनका गृह क्षेत्र है, तो उनका खासा पहल रहा कि इस दिशा में कार्य हो और जितना भी वाटर लॉगिंग की समस्या है लोगों को उससे इस बार निजात मिले, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस कोरोना काल में यह कार्य को शुरू किया गया है, और अभी तो बारिश हो रही है, अभी कुछ समय के लिए काम बाधित है, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि प्रवासी मजदूर को इन्वॉल्व किया गया। ऐसे प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है, तो सरकार की भी प्रतिबद्धता थी कि प्रवासी मजदूर को काम मिले। ऐसे में जो डिप्टी सीएम का यह गृह जिला है, जो वाटर लॉगिंग की समस्या को लेकर आमतौर पर आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, उनके लिए राहत भरी बात हो गई कि काम शुरू हो चुका है। हालांकि अभी बारिश हो रही है, बारिश के कारण काम बाधित है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम लगातार जारी है, और जो कोशिश है बिहार के डिप्टी सीएम की कि जो जल जमाव की मुख्य समस्या थी जो उसको किसी तरह से लोगों को उससे निजात मिले, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विकास की बयार जो है एक बार इस बार बहेगी और जो जल जमाव की समस्या उससे लोगों को निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।